بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. एक दोस्त के साथ व्हाट्सएप चैट है और आप देख सकते हैं कि ये दोस्त कौन है. सुपै साहबा लश्कर जंगी ये उसका नंबर है और इसके साथ जो है वो हमारी चैट हो रही है. ठीक है, ये एक और स्टेटस लगाया था. इस्लामती के पूरे स्टेटस ऐसे ही होते हैं. ये एक स्टेटस हम आपको बता सकते हैं. हमें डराओगे कि तुम ये काम करोगे, हम तुम्हें गोली मार देंगे, हथकड़ी पहना देंगे, पेड़ी पहना देंगे. मैं हजरत के इस दरगाह में खड़े होकर ये ऐलान कर रहा हूँ, हमने हक कहने का फैसला किया है. जिसके जी में आता है गोली मार दे, जिसके जी में आता है गोला मार दे, जिसके जी में आता है हथकड़ी पहना दे, पेड़ी पहना दे. अकाबिर के तरीके को ना कल छोड़ा था, ना आज छोड़ा है, ना आइंदा छोड़ेंगे. आप देख सकते हैं कि इसके स्टेटस हता के ये गोलियां ये चलाने वाले हैं, दहशतगर्द ये हैं, मारने वाले यही बंदे हैं, बम ब्लास्ट करने वाले यही बंदे हैं. और ये सिर्फ हमने उसके स्टेटस को शोमा किया है कि दहशतगर्द गोलियां चलाता है. यानी यही बंदे हैं जो गोलियां चलाते हैं, ब्लास्ट करते हैं, खुदकुशियाँ करते हैं. ताकि खुदकुशी मसलके जो है रसूल में हराम है, लेकिन उसके बावजूद ये खुदकुशियाँ भी करते हैं. खुदा उन्हें जलील और रुस्वा करे जो मजलूमान के ऊपर जो है वो हमले करते हैं, उन्हें शहीद करते हैं. शहीद तो कामयाब है, यहाँ पे भी कामयाब है और आखरत में भी कामयाब है. आप देख सकते हैं चैट. मेरे अजीज भाई, वो कोई मसला नहीं है. हमारा सीना हमारे हाथ और ये थप्पड़ तेरे मुंह पे लगता है, ये असली बात है. ठीक है, उसकी कोई परवाह नहीं है. जब हम अपने सीने पे मारते हैं तमाचा आपको लगता है, तो इसमें टेंशन लेने की कोई बात नहीं है. ये आप देख सकते हैं कि उसकी वाइजेज और ये सिर्फ वो चैट ही करता है, लिखी हुई चैट करता है, रिटन करता है. तो आप ये सकते हैं कि खोमेनी साहब के बारे में क्या नज़रिया है उसका और उसके बाद में वो क्या फरमा रहा है. और ये खुली हुई बात है कि खुदकुशियाँ कौन करता है, ब्लास्टर्स कौन करता है, FIR किन के ऊपर होती है, मसाजिद में जो है तालिबे इल्मों के साथ कौन कौन क्या क्या करता है, ये सब कुछ जो है वो ऑन द रिकॉर्ड है. और पाकिस्तान में कोई भी चीज छुपी हुई नहीं है. अल्हम्दुलिल्लाह, मसलक अहल बैत मसलक ही हक है और ये हक जो है वो हमेशा चलता रहता है. हम मजलूम हैं, कत्ल होते रहते हैं और ना हमने कभी रोड ब्लॉक किया है, ना हमने कभी गाड़ी जलाई है, ना हमने किसी दुकान को जलाया है. ये आप जैसे लानतियों के काम होते हैं जो सारा कुछ ये सब कुछ करते हैं, वो कोई इशू नहीं है. उसमें हमारा सीना होता है, आपकी गोली होती है. हम शहादत की बहुत करते हैं और जो है हमेशा सरबुलंद रहते हैं. ये कोई नई बात नहीं है. हमारे सीनों के ऊपर आपका हाथ क्या, हमारे सीनों के ऊपर आपकी गोलियां होती हैं. फिर भी आए दिन आशूर के जलूस बढ़ते रहते हैं और आप जैसे मलऊन मरते रहते हैं. वो खुदकुशी करके जहर खा के, मलऊन की मौत मलऊन ही मरता है. इंशाल्लाह शहादत हमारी मीरास है. हम भगोड़े नहीं है कि ऐसे भागे हैं जैसे जो है फसीरतुल मंसूर में लिखा गया है, जैसे पहाड़ी बकरा भागता है. वैसे जो है मैं भागा था और ये खुतबे में आपके बुजुर्गों ने फरमाया था. फसीरतुल मंसूर सूरह तौबा की तफसीर पढ़ लें आप. आपके भगोड़े मुर्शिदों ने इतने भागे कि खुद जुम्मे के खुतबे में ऐलान कर रहे थे कि हमारा
मैं फिलहाल जंग में ऐसे भागा था जैसे पहाड़ी बकरा पहाड़ के ऊपर भागता है। ये आपका जो है काम है भागना और जो है दहशतगर्दी फैलाना, जुल्म और सितम करना, और यही आपके मुर्शिदों का काम है। जंग लड़नी नहीं आती थी, मजलूम के ऊपर जो है तलवार कस के खड़े हो जाते थे, नेजे कस के खड़े हो जाते थे। और ये लानती सारे के सारे, वो नस्ल चलती आ रही है ना, नस्ल चलती आ रही है। इंशाल्लाह आपकी नस्ल भी वही है और मेरी नस्ल हुसैनी है। इंशाल्लाह जो है देखेंगे क्या होता है। وَأَنَّ مِنْ شِيَّةَ إِلَى إِبْرَاهِيمَ، ये ऊपर उन्होंने किया है कि शिया कायनात के बदतरीन का और गलीज तरीन काफरों को तबाह व बर्बाद करे। अल्लाह ताला की दुआ है अतः कि खुदा बंदे आलम जो है कलाम इलाही में इब्राहिम को शिया कह रहा है, नूह को शिया कह रहा है, और उसके साथ साथ या अली आप और आपके शिया कामयाब हैं वो कह रहा है। या अली अंत व शिया तो फायजून, ये हदीसें हैं जनाब हबीब खुदा की और कलाम इलाही की आयात हैं। जनाब खुदावंद आलम ने मूसा को शिया कहा है, ये हमारी मीरास है मोमिन की, ये मीरास होती है। इंशाल्लाह जो है हम शहादत की मौत ही मरेंगे इंशाल्लाह। और ये आप बखूबी जानते हैं कि खुमैनी साहब मर्द मुजाहिद थे और उसका इनकलाब आज तक दुनिया में कोई भी उस जैसा इनकलाब नहीं ला सका। पूरा ईरान और आज तक अमेरिका से और ऐसे मलऊने के साथ जो लड़ रहा है वो ईरान ही लड़ रहा है। और ये खुमैनी की ताकत है कि वो मर्द मुजाहिद है और भागता नहीं है। भागता कौन है ये अब तारीख में बखूबी वाज़े लिखा गया है, लेकिन ये कि खुमैनी साहब को कह रहा है कि वो भगोड़ा है, अता कि खुमैनी जैसा इनकलाब आज तक कोई भी नहीं ला सका। अब मेरे अजीज भाई दुरे मंसूर जो है उसको पढ़ें आप, उसके बाद आरिफुल खुल्फा को पढ़ें, अल फारूक को पढ़ें, सारी किताबें भरी पड़ी हुई हैं। तारीख इस्लाम को पढ़ें, कौन सी किताब है आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा ना कि कौन भागा था, कब भागा था, कैसे भागा था। जी मेरे अजीज भाई जो है अल्लाह ताला का कुरान में जो है ना वो काफी है। जनाब हबीब खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके भगोड़ों के लिए नहीं फरमा रहे कि इन्नी तारिकुम फीकुम सकलैन किताब अल्लाह व इत्रतिही व अहल बैतिही, या इन्नमा युरीदुल्लाह लियुज़हिब अनकुम रिज्स अहल बैत व युतहिरकुम तत्हीरा। आप जैसे नाकारा और जो है निजस बंदों के लिए नाजिल नहीं हुई, और कुल्ला असअलकुम अलैहि अजरा इल्ल मवद्दत फिल कुर्बा, दीन के जो है नाकिस बंदों के लिए नाजिल नहीं हुई। ये सारी चीजें अहल बैत के लिए है। आपके लिए तो जहन्नुम ही जहन्नुम है, ये आप समझ लें। ये ऊपर पता नहीं क्या कह रहा है, इसकी बात की समझ नहीं आती। आप खुद चेट समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं, और जो है क्या कह रहा है वो आपको भी समझ सकते हैं। असल बिगाड़ जो है ना वो उसी टाइम से है जिस टाइम से जो है ये गलीस लोग जो है वो सिलसिले इक्तदार पे आ गए। ठीक है, तलवार के जोर से अहल बैत अलैहिस्सलाम के ऊपर मजालिम किए और अहल बैत अलैहिस्सलाम को कत्ल किया। वाकया करबला जैसा अजीम वाकया इन खबीसों ने रोनमा दिया। यजीद लानती बेनसल और इसका खानदान ही लानती है। ठीक है, और ये कुरान अहल बैत अलैहिस्सलाम के बारे में जो कुरान ने जो कुछ कहा है वो वाज़े अल्फाज में मौजूद है। इन लानतियों के बारे में ना कोई आयत नाजिल हुई है, ना कोई फरामीन मौजूद है, ना कोई और सिलसिला मौजूद है। और ये नस्ल असल सिलसिला जो नस्ल का है ना वो उसी टाइम से है। नमाज में तब्दीलियां जो है, रोजे में तब्दीलियां,
के हवाले से और जो है अहकामात में तब्दीलियाँ, ज़कवात में तब्दीलियाँ, शरीयत में तब्दीलियाँ, बेटी और बहन माँ के साथ जना, ये इन बेनस्लों का जो है वो असल किरदार था। साहबे किराम रिज़वानुल्लाह अलैहि अजमईन हमारी जानें उनके ऊपर कुर्बान हैं इंशाल्लाह और कुर्बान रहेंगी। जो वफादार सहाबा हैं वो हमारी आँख का जो है वो उनकी पैरों की खाक हमारी आँख का सुरमा है और उनके लिए ही फरमाया गया है कि सलमानु मिन्ना अहल बैत। अबू जर जैसा सच्चा कायनात में कोई नहीं। ऐ अली तू सिद्दीक के अकबर है, तू फारूक आजम है और बिलाल हबशी की कुर्बानियाँ ये सारी की सारी हमारी उनकी जूतियों की खाक हमारी आँख सुरमा है। बकाया जो मलऊन है वो मलऊन ही रहेगा इंशाल्लाह। जी बिल्कुल, ये दुआया जुमले हैं। ठीक है, ए अल्लाह तू उनसे राजी हो जा, यानी एतमाद नहीं है कि रब उनसे राजी होगा या नहीं होगा, और ये एन दलील है कि मलऊन से रब राजी नहीं होता। ठीक है, मलऊन की तरफ खुदावंद आलम की लानत ही होती है और राजी जनाब सलमान से राजी है, जनाब अबू जर से राजी है, जनाब बिलाल से राजी है, जनाब मिकदाद से राजी है। ए रब राजी है, हमने कब कहा है कि रब राजी नहीं है? अलबत्ता मलऊन के ऊपर रब की लानत ही होती है। ये खामखा जो है मसलक अहल बैत अलैहिस्सलाम को छेड़ रहा है, और अहल बैत अलैहिस्सलाम का मसलक वो सहाबा किराम रिजवानुल्लाह अलैहि अजमईन का ही मसलक है। सहाबा किराम रिजवानुल्लाह अलैहि अजमईन जनाब सलमान की ये शान है कि अहल बैत अलैहिस्सलाम के दरवाज़े के ऊपर अपनी दाढ़ी से जो है वो झाड़ू देता था, और इन्होंने फैज़ पाया है। जो भी रसूल के दरवाज़े पे झुका है, जो भी अहल बैत के दरवाज़े के जो ऊपर झुका है, उन्होंने फैज़ पाया है, और जिन्होंने फैज़ पाया है वही सरबुलंद हैं, वही वली हैं, वही अजमत वाले हैं, वही बुज़ुर्गी वाले हैं। खुदावंद आलम हमें इन बुज़ुर्गों के नक्शे कदम पे चलने की तौफीक अता फरमाए और ऐसे शिरपसंदों से हमें बचने की तौफीक अता फरमाए। हम मुतालबा करते हैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से कि इन दहशतगर्दों के मुंह पे लगाम दी जाए और इनको कैफर किरदार तक पहुंचाया जाए। जो हुकूमत पाकिस्तान और के भी दुश्मन हैं, पाकिस्तान में रहने वाली आवाम के भी दुश्मन हैं, और जो है पाकिस्तान का अमन ख़राब करने वाले यही बंदे हैं। हम मुतालबा करते हैं कि उनको जो है सख्त से सख्त सज़ा दी जाए, और जो इस मिशन में अहल बैत अलैहिस्सलाम की मिशन में काम कर रहे हैं उनको जो है सिक्योरिटी फराहम की जाए और उनको उनका जो है तहफ़ यकीनी बनाया जाए। वस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु।